नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुमेत जांगड़ा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिन दो रूब्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स में से एक या दो है। ये रूब्रिक्स हम बहुत कॉमनली देखते हैं और उनकी मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, हम रूब्रिक को समझना इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, पर उसी के साथ में मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं जो आपने बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। जब कभी भी हम किसी रूब्रिक को सेलेक्ट करते हैं, उस रूब्रिक को सेलेक्ट करने के बाद में उसमें बहुत सारी औषधियां मेडिसिन के नाम रहते हैं, जिन्हें 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क अलग अलग रेपर्टरी के हिसाब से अलग अलग मार्किंग के रूप में दिया जाता है। पर जो भी हाईएस्ट ग्रेड के मार्किंग वाली मेडिसिन रहती है उनको डायरेक्ट सेलेक्ट करना, हाँ हम आज जो दो रूब्रिक्स देखने वाले हैं उनसे मैं आपको समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, आज हम एक एब्स्योर्ड ABSURD एब्स्योर्ड नाम का रूब्रिक देखना है, जिसे हम कहते हैं कि हास्यास्पद वागणूक। ये रूब्रिक को जब हम देखते हैं, इस रूब्रिक को जब हम समझते हैं, उसमें जो मेडिसिन आती है उसमें से 3 मार्क की मेडिसिन आती है हायोसाइनस। पर अगर हम कोई अगर ऐसा हास्यास्पद बिहेवियर का इंसान दिखे और हर इंसान को हम हायोसाइनस देने की सोचे तो ये गलत हो जाएगा। रूब्रिक को समझिए, उसके साथ साथ जब आप मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हो, मेडिसिन सेलेक्ट करते वक्त आप टोटालिटी को भी मैच करना मत भूलिए। जब तक वो टोटालिटी करेक्ट मैच नहीं होती तब तक कृपा करके मेडिसिन डायरेक्ट मत दीजिए। पहले समझिए और समझने के बाद में जो मजा आता है वो किसी में नहीं आएगा। ये ना समझी के कामों में कुछ नहीं पड़ा है, अच्छे से समझ के मेडिसिन सेलेक्ट कीजिए। मेरे ये निवेदन को ध्यान में रखते हुए आगे वीडियो की तरफ बढ़िए। और आज जो हमें दो रूब्रिक्स के बारे में देखना है, पहला रूब्रिक है एब्स्योर्ड और दूसरा रूब्रिक है अब्यूज, तो चले उनको देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते। जैसे कि मैंने कहा, आज हमें एब्स्योर्ड ABSURD एब्स्योर्ड थिंग्स डज, इसके अंदर कॉमन ब्रैकेट के अंदर दिया है फुलिश। उसका मतलब अगर हम मराठी में देखें, मराठी मध्ये त्याला म्हणतात मूर्खता, हास्यास्पद, बिंडोक। हिंदी में अगर हम देखें तो बेतुका, विवेकहीन, मूर्खतापूर्ण ऐसा आता है। वहीं दूसरी रूब्रिक की अगर हम बात करें वो है अब्यूज, जिसमें लिखा है एलिमेंट फ्रॉम। एलिमेंट फ्रॉम की अगर हम मतलब के बारे में देखें, उसमें एलिमेंट फ्रॉम का मतलब है जिससे बीमारी आती है। मराठी मध्ये त्याला म्हणतात चापासून उद्भवलेला आजार, आजाराचा मूल कारण। अब्यूज जिसको हम देखे सिनोनिम्स के अंदर ह्यूमिलेशन या फिर डोमिनेशन भी दिया है, पर इनको समझे बगैर इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो चलिए हमें इनको समझ के लेना है, इनके डिटेल तक पहुंचना है। काय बिंडो कस रे तू, इतका कसा तू मूर्ख आहेस, तुला काय करायचं आणि काय करायचं नाही हे कळत नाही का? असे शब्द आपण खूप वेळेस वापरतो। और आज का जो हमारा पहला रूब्रिक है, आजचा जो आपला पहिला रूब्रिक आहे त्याचं नाव आहे ABSURD एब्स्योर्ड, आणि त्याचा अर्थच होतो बिंडोक। भरपूर वेळेस काय होतं की एखादा शानासुद्रा माणूस आहे आणि काहीतरी बिंडोक हरकत करतो, अशा वेळेस त्याचे रिलेटिव्ह म्हणतात अहो खूप बिंडोक आहे वा, अतिशय मूर्ख आहे, ह्याला काय करावं आणि काय नाही करावं कळतच नाही। और जिसमें एक हायोसाइनस नाम की मेडिसिन है, जो मैंने आपको अभी अभी कहा बगैर समझे इन मेडिसिन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये जो किंगडम से आती है, जो फैमिलीज से आती है, वो फैमिलीज के बारे में पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि इनका इस्तेमाल बगैर समझे करना कितना हानिकारक रह सकता है। अब जब हम हायोसाइनस की बात करते हैं तो हायोसाइनस लोगों को कैसा काम है कि हाँ किसी की अर्थी चली है और अर्थी चलने पे ये लोग वहां पे मजा उड़ा रहे हैं।
हम देखते हैं हायोसाइनस लोगों के अंदर मूर्खता वाला व्यवहार हमें देखने मिलता है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार हमें दिखाई देता है। एब्स्योर्ड, जब जब हमें ये रूब्रिक सेलेक्ट करना है तब ये देखना जरूरी है कि जो व्यक्ति के बारे में हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ऐसा बिहेवियर कंफर्म है क्या। अब जब दूसरे रूब्रिक की बारी आती है, दूसरा रूब्रिक है अब्यूज। हाँ दोस्तों, ये वर्ड हम दो बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार इस्तेमाल भी करते। अब्यूज का मतलब जब हम देखते हैं मराठी मध्ये अब्यूज का अर्थ होतो अपमान, अपशब्द, गैरवर्तवणूक। अगर देखे हिंदी में उसे कहा जाता है गाली देना। कोई अगर आपको गाली दे, आपको अब्यूज करे, इसके सिनोनिम्स दिए हैं कि डोमिनेशन और ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन का मतलब है अवमान करना, दबा के रखना, अधिकार बताना। डोमिनेशन का भी मतलब है अधिकार गाजवना, सत्ता गाजवना, अधिकार दिखाना। जब हम ये तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए, भले ये सिनोनिम्स है पर इनमें माइन्यूट डिफरेंशिएशन है। यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रह सकता है कि अगर कोई आपको संभालने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तब आपको ऐसा लग सकता है कि वो आप पे अधिकार बता रहा है, और वो अधिकार नहीं बता रहा था, आपको समझा रहा था, पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो आपको लगेगा कि वो आप पे अब्यूज कर रहा है। पेशेंट को लगेगा कि वो उसको अब्यूज कर रहा है, पर उसको समझ के ही इस्तेमाल कीजिए। अब्यूज का अगर हम मतलब देखें तो गैरवर्तवणूक। हाँ, और यहां पे एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज, एलिमेंट फ्रॉम, बहुत सी ऐसी बीमारियां है जो अब्यूज एलिमेंट से आती है। किसी पर्सन के साथ में किसी भी तरीके का गलत व्यवहार होने पे, गलत चीज होने पे, वो चीज उनके दिलो दिमाग पे हावी हो जाती है, और उसके बाद में जब वाइटल फोर्स डिस्टर्बेंस के रूप में बाहर साइंस और सिम्टम्स लाता है, तब पेशेंट हमारे पास बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। आशा करता हूं मेरा ये जो प्रयत्न है आपको अच्छे लग रहे हैं। आप सबके कमेंट्स के लिए, प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आज आपसे यहीं पे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय होम्योपैथी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को क्लिक और लाइक करना नहीं भूलना। जय हिंद, जय होम्योपैथी। थैंक यू।